अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप कि आप सब खैर से होंगे, ठीक होंगे। भाई मुझसे काफ़ी लोगों ने जो है ना वो पूछा है अक्सर कि मानी भाई आप म्यूज़िक कंपोजिंग जो करते हैं, स्पेशली आप जो पियानो की वीडियोस बनाते हैं उसमें साउंड इतना क्रिस्टल क्लियर कैसे आता है और आप किस तरीके से जो है ना कंपोजिंग करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज के एपिसोड के अंदर मैं आपको छोटी सी बेसिक स्टेप्स बताऊं जो कि मैं फॉलो करता हूं। मतलब थ्योरी के हिसाब से शायद ये गलत हो, लेकिन जो मुझे आदत है या जिस तरीके से मैं म्यूज़िक कंपोज करता हूं वो मैं आपको बताता हूं। तो आज के एपिसोड में हम यही सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो जरा आप देखिए, मल्टीपल स्टेप्स हैं जो कि मेरा तरीका है इसको कंपोजिंग करने का। आई होप कि शायद ये बाकी लोगों का डिफरेंट होता होगा, डेफिनेटली होता होगा। तो ये मैंने अपनी एक आसानी के हिसाब से जो चीज़ें प्लान की हुई हैं उस हिसाब से मैं कंपोजिंग करता हूँ। सबसे पहली अगर बेसिक रिक्वायरमेंट मैं आपको बताऊँ इंस्ट्रूमेंट के अलावा, वो आपके पास एक अच्छा हेडफोन होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास है ये बोया का BY-HP2, ये तकरीबन मैं 6-7 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। और ये सबसे अच्छी चीज़ इसकी मुझे ये है कि एक तो ये स्टूडियो मॉनिटर्स है, बहुत लाइट वेट है, और इसमें जो बैलेंस साउंड आपको आते हैं ना वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसकी वजह ये है कि जब आप कंपोजिंग कर रहे होते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका गिटार प्रॉपर ट्यून है, आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट आप इसके अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं वो प्रॉपर साउंड कर रहा है, क्योंकि यही साउंड निकल के आपके कंप्यूटर में जाता है और वहीं से आपको एडिट करना होता है। तो ये मुझे साउंड रिकॉर्डिंग में भी बहुत हेल्प करता है, इवन कि जब मैं एडिट कर रहा होता हूँ साउंड को, ट्रीटमेंट कर रहा था उसमें भी बड़ा हेल्प करता है। और साउंड कंपोजिंग में सबसे अच्छा काम इसका क्या होता है, क्योंकि घंटों लगता है सीक्वेंस बनाने में, तो ये जो सॉफ्ट इसके पैडिंग है ना और लाइट वेट है, तो ये जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसकी सारी डिटेल्स वगैरह जो है ना, और बहुत इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है, सस्ती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, तो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसकी डिटेल्स जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अभी मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है। तो सबसे पहला जो मेरा स्टेप होता है वो ये होता है कि मैं ड्रम पैटर्न रिकॉर्ड करता हूँ, यानी कि मुझे एक गाने का ट्रैक मिल जाए, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं, ये ड्रम का जो है ना एक मैंने पैटर्न रिकॉर्ड किया हुआ है जो कि लूप के अंदर कंटिन्यूसली चले जा रहा है। अब इसके ऊपर मुझे देखना है कि मेरा गाना जो है वो क्लासिकल है या वो रॉक पैटर्न के ऊपर है। अगर क्लासिकल है तो डेफिनेटली मैं उसके अंदर थोड़ा सा देसी टच देने के लिए तबला भी ऐड करूँगा या ढोलक ऐड करूँगा, तो उसको मैं एक सेपरेट अलग से रिकॉर्ड करता हूँ। जैसे कि इसको मैं बंद करूँ और ये आप देखें, ये एक पैटर्न मैंने अलग से रिकॉर्ड किया हुआ, ये तबला है, ये एक अलग लेयर है, ठीक है जी। अब इन दोनों लेयर्स को मैं चाहूँ तो मिक्स करके जो है ना वो मैं स्टार्ट करूँ, तो आप ये देखें ड्रम भी आ रहा है, तबला भी आ रहा है, ठीक है। अब इनके अलावा अब हम आ जाते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, जैसे कि बेस पैटर्न, ठीक है। अब ये बेस पैटर्न जो है बिल्कुल डिफरेंट साइंस है कि आपको क्या सपोर्ट करता है, ये डिटेल में तो मैं नहीं जा सकता। तो ये बेस पैटर्न मैंने अलग लेयर के ऊपर रिकॉर्ड किया। फिर इसी तरह मैं देखता हूँ कि मुझे गिटार चाहिए इसके अंदर, या मुझे पियानो चाहिए, या मुझे वायलिन चाहिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो उसको मैं ऐड करूँगा। कोई मुझे पीछे एटमॉस्फेयर देना है तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर एटमॉस्फेयर का जो है एक थोड़ा सा इफेक्ट दे दिया, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हो गई। अब मैं सारी लेयर्स को ओपन करूँगा और मैं आपको मेलोडी बजा के दिखाऊँगा कि किस तरीके से, ये आप चेक करें। तो ये अभी एक जो है क्या कहते हैं ज़बरदस्त सी जो है एक मेलोडी आपके पीछे बज रही है। अब आ जाते हैं कॉर्ड्स कंट्रोलिंग। कॉर्ड्स कंट्रोलिंग एक डिफरेंट बिल्कुल टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, उसको मैं ऑब्वियसली इस एपिसोड में नहीं कवर कर सकता, बट मैं नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर कोशिश करूँगा कि बताऊँ। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड से मैं पूरी कॉर्ड्स को कंट्रोल करूँगा, यहाँ से मैं उस गाने की मेलोडी प्ले करूँगा। तो अब आप चेक कीजिएगा कि किस तरह का जो है ना ये कंप्लीट पैकेज जब निकलता है पियानो में से तो क्या साउंड करता है। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स जो है ना वो प्ले करते हुए हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं रैंडमली अभी कर रहा था, बट इसमें मज़ीद चीज़ें होती है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि इसके अंदर एक फिल इन इफेक्ट आ रहा था, जैसे कि ये एक म्यूजिक चल रहा है आपका और ये
तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लानिंग्स होती हैं जब आप एक सीक्वेंसर के ऊपर जो है किसी कीबोर्ड के ऊपर करते हैं, तो ये प्लानिंग के तहत जो है ना ये रिकॉर्ड किए जाते हैं। सेम पैटर्न होता है मगर अलग अलग फोल्डर्स के अंदर इसको रिकॉर्ड किया जाता है, और कहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल आउट होना है ये भी एक बिल्कुल डिफरेंट साइंस होती है। तो आई होप कि आपको एक बेसिक सा जो है ना वो ओवरव्यू समझ में आया होगा कि पियानो सीक्वेंसर जो होते हैं, जैसे यामाहा का ये सीक्वेंसर है SX700 और इसके अलावा दूसरी कंपनीज के भी आते हैं, तो उसमें किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। बेसिक जो उसकी थ्योरी है या बेसिक जो उसके स्टेप्स होते हैं वो यही होते हैं, मगर सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और टॉपिक के साथ या मजीद डिटेलिंग के साथ जो है ना कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आपसे जाना चाहूँगा इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बड़ा ख्याल रखेंगे, दुआ में रखेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे और माशाल्लाह कहते हैं। और हाँ, बाय द वे, अगर आपको ये बोया HP2 खरीदने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ट्रस्ट भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है।